मैं हूँ अमृत कुमार और आप सबका स्वागत करता हूँ केपी कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की यूट्यूब क्लास में। और हम देख रहे हैं राष्ट्रपति के बारे में, सामान्य काल के तौर, मतलब सामान्य शक्तियाँ क्या है, वो तो हमने जान ली है सब। इससे पहले हमने जो वीडियो था उसमें बारे में समझ लिया था। आज हम समझ रहे हैं कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ क्या होती हैं, ठीक है ना। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ, तो उसके बारे में ध्यान देना है। तो अब देखिए, सामान्यकालीन शक्तियों में तो जैसे क्या होता है, तो मैंने आपको एक बार थोड़ा यहाँ पे बता देता हूँ। सामान्यकालीन शक्तियाँ होती है तो इसकी पहले एक तो होती है कार्यपालिका शक्ति, ठीक है। दूसरी होती है विधायी शक्ति, तीसरी होती है वित्तीय शक्ति, और चौथी होती है न्यायिक शक्ति, ठीक है। और एक जो हम कह सकते हैं विषय, जिसको कैसे अध्यादेश जारी करने की शक्ति, ये अध्यादेश वैसे इसमें आ जाता है, तो ध्यान रखना है। तो इसका मतलब क्या होता है कि पूरी संघ की कार्यपालिका शक्ति है वो राष्ट्रपति के अंतर्गत निहित होती है, और ये दिया गया अनुच्छेद 53 के अंतर्गत, ठीक है ना। अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। विधायी शक्ति का मतलब कोई भी, जैसे धन विधेयक वगैरह, लेकिन कुछ ऐसे विधेयक है जो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद संसद या आगे पेश किए जाते हैं, तो इसलिए उसको विधायी पावर कहा जाता है। और साथ ही साथ विधायक, सॉरी वो तो इसमें आ जाएगा, लेकिन विधायी में क्या होता है कि जैसे बहुत सारे कहने का मतलब कार्यपालिका के अंदर के जब हम बात करें, तो कार्यपालिका का ये है प्रधानमंत्री की नियुक्ति वगैरह जो भी, वो इसके संदर्भ में होता है। अब विधायी शक्ति का मतलब ये है कि कोई सरकार अस्तित्व में नहीं है तो आदेश मतलब कोई कानून बनाना है तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है। विभिन्न मंत्री वगैरह इनकी जो नियुक्ति करनी है उसके संदर्भ में इनको पावर होता है। साथ ही होता है कि कुछ ऐसे विशेष प्रावधान है जो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बाद ही कोई कार्य किया जा सकता है, तो इसके बारे में हमने वैसे पिछली बार पढ़ लिया है, तो आज तो अपने पढ़ना ये संकटकालीन, तो फिर भी थोड़ा देख लेते हैं। और ये एक अनुच्छेद 110 के अनुसार, अनुच्छेद 110 के अनुसार जो तो धन विधेयक होता है, तो धन विधेयक हमेशा ध्यान रखना है कि धन विधेयक है वो किसकी अनुमति से, राष्ट्रपति की अनुमति के बाद ही लोकसभा में रखा जा सकता है। 110 और 117 अनुच्छेद 117 में ये बात कही गई है कि भाई संसदीय निधि से कोई भी व्यय करना है, खर्च करना है, तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है, संसदीय निधि से पैसे व्यय करने होते हैं। और न्यायिक शक्ति के रूप में तो आपको पता ही है, यानी जो प्रमुख व्यवस्था होती है न्याय के संदर्भ में, ये न्याय के जो उच्चतम न्यायालय है उसके न्यायाधीश को नियुक्ति करने का वगैरह संदर्भ, इसके अलावा भी जो प्रमुख फैसले होते हैं उसके दंड को माफ करने का अधिकार होता है इनको, ठीक है ना। अनुच्छेद 72 के अनुसार ये कहा जाता है कि भाई राष्ट्रपति है उनमें वो न्यायिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य कर सकता है, न्याय मतलब अपने उच्चतम न्यायालय से किसी भी विषय पर सूचना मांग सकता है, तो ये इसका न्यायिक अधिकार होता है। और जो यानी समाधान की शक्ति है तो वो भी न्यायिक क्षेत्र में आती है, अनुच्छेद 72, यानी जिसकी फांसी उसको माफ कर सकता है। और अध्यादेश ये होता है 123 के अनुसार, अगर सरकार लोकसभा या राज्यसभा इनमें से कोई भी अगर एक अस्तित्व में नहीं है तो लोकसभा या उनके कार्य को निष्पादन वो नहीं कर पा रहे उस समय, इसके लिए अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति वो अध्यादेश जारी कर सकता है जो कानून का रूप होता है, जो संसद अपने अस्तित्व में आने के बाद 6 महीने के अंतर्गत उसको लागू करना चाहिए, यानी उसको प्रस्ताव पास करना चाहिए। तो ये तो एक तरह से हमने शॉर्ट में समझ लिया सामान्यकालीन शक्तियाँ जो राष्ट्रपति के बारे में। अब हम समझते हैं आपातकालीन शक्तियाँ कौन कौन सी हैं। तो आपातकालीन शक्तियों के बारे में आपको सिंपल सा ध्यान रखना है, आपातकालीन शक्तियों के बारे में वैसे अनुच्छेद हम बात करेंगे यहाँ पे 352, 56 और 360, इन ये विशेष रूप से राष्ट्रपति शक्ति के संदर्भ में अनुच्छेद हैं। और जो इनका संविधान में, ये तो अनुच्छेद है, वो संविधान के कौन से भाग में आपातकाल का वर्णन किया गया आपातकालीन शक्तियों के बारे में, संविधान के भाग 18 में आपातकालीन शक्तियों के बारे में, ये भाग है 18वें भाग में आपातकालीन शक्तियों के बारे में ये व्यवस्था की गई है। अब ये अनुच्छेद 352, 56 और 60 क्या है, तो इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, तो कंटिन्यू आपको समझना है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे पढ़ेंगे आपातकालीन शक्तियों के बारे में, राष्ट्रपति की जब या इसको हम ऐसे कह सकते हैं, ठीक है ना, कि राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 352। अब ये कब लगता है, तो ध्यान रखना है जब कभी
युद्ध होता है या बाहरी आक्रमण या इसकी जगह एक नया शब्द लिया गया है तो वो ध्यान रखना है शस्त्र विद्रोह। इस तरह की जब भी देश के अंतर्गत या देश के किसी भाग में युद्ध बाहरी आक्रमण या शस्त्रों को जैसे कोई आपदा उत्पन्न हो जाती है तो वहां पे राष्ट्रीय आपातकाल लगाया जाता है। वो आपातकाल होता है अनुच्छेद 352 के तहत। अब 352 के तहत आपको ये ध्यान रखना है ये इस कंडीशन में होगा कि जब किसी बाहर से या किसी देश के द्वारा हमला कर दिया जाए तो आपको ध्यान रखना है कि यह हमेशा जो ये आपातकाल लगाया जाएगा जैसे जैसे ये है तो राष्ट्रपति डायरेक्टली नहीं करेगा, उसको एक लिखित रूप में मंत्रिपरिषद लिखित रूप में कहेगी आपको इस क्षेत्र में ये आपातकाल लगाना है क्योंकि यहाँ पे कंडीशन इस तरह की हो गई। तो उनकी लिखित सूचना के बाद, मंत्रिपरिषद की लिखित सूचना के बाद राष्ट्रपति या अनुच्छेद 352 धारा है वो वहाँ उस क्षेत्र में लगाता है। अब इसमें ध्यान रखना है कि संसद की स्वीकृति के बिना भी ये 2 माह तक लागू रहती है और संसद से स्वीकृति हो जाने पर शासन उसे तब तक लागू रखता है जब तक 44वें संशोधन के प्रथम व्यवस्था की गई। तो ध्यान रखना है कि संसद की, यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक चीज है, संसद की अनुमति के बिना भी 2 माह तक यह आपातकाल लागू रह सकता है। और जब संसद कानून इस पर ये इसको लेकर कोई कानून व्यवस्था बना रही है, प्रस्ताव ला रही है तो उसको 6 माह के अंदर ही अंदर, उसको कहने का मतलब 6 महीने के अंदर उसको स्वीकृत करना आवश्यक होता है। अगर 6 महीने तक अगर वह इस राष्ट्रपति के द्वारा जारी अध्यादेश इस पावर को अगर 6 महीने तक वो कानूनी रूप प्रावधान या सही रूप में नहीं ठहराती है या स्वीकृति नहीं देती है इस आपातकाल को तो वो रद्द हो जाता है, तो इसकी धारा वगैरह सब कुछ ये समाप्त हो जाएगा और नॉर्मल वहाँ पे व्यवस्था हो जाएगी। तो ध्यान रखना है आपातकाल पर विचार विमर्श हेतु लोकसभा के 110 सदस्यों की मांग अनिवार्य है। अब जैसे आपातकाल कहीं किसी क्षेत्र में लगाना है तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि इस अनुमति के लिए यह ध्यान रखना, यहाँ पे जो बात की गई है वो ध्यान रखना है कि लोकसभा में उपस्थित वो मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से आपातकाल की घोषणा की जाती है और इनके कहने पर ही राष्ट्रपति ये काम करता है। तो अब यहाँ पे आगे देखना है कि आपातकाल पर विचार हेतु लोकसभा की बैठक, आपातकाल पर विचार हेतु लोकसभा की बैठक के 1/10 सदस्यों की मांग अनिवार्य रूप से बुलाई जाती है, लोकसभा के सदस्यों की बैठक 1/10 सदस्यों के उपरांत विचार किया जाता है। इसका कहने का मतलब ये है, आपको ध्यान रखना है कि जैसे लोकसभा कोई प्रश्न जैसे आपातकाल लगाना है तो लोकसभा में लोकसभा के जो हैं कह सकते हैं कि आपातकाल लगाने के पहले लोकसभा के जो सदस्य हैं उसकी गणपूर्ति कितनी होनी चाहिए, 1/10 होनी चाहिए, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। राष्ट्रपति द्वारा संकट काल घोषणा को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 352 के अधीन संकट की घोषणा पूरे देश के या किसी भी एक भाग के लिए भी होता है। अब इम्पोर्टेंट ये प्रभाव क्या पड़ेगा, ठीक है ना, ये ध्यान रखना प्रभाव, तो प्रभाव क्या पड़ेगा तो वो आप ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 19, अगर आपको ध्यान है अनुच्छेद 19 के द्वारा व्यक्तियों को 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान है, 6 प्रकार की स्वतंत्रता प्राप्त हैं, वे स्थगित हो जाती हैं। मतलब कहने का मतलब है कि जो 6 प्रकार की जो अनुच्छेद 19 के द्वारा व्यक्ति को स्वतंत्रता होती है वे आपातकाल के दौरान उनसे भी स्वतंत्रता है ली जाती है, उनको स्वतंत्रता उनसे प्राप्त नहीं होगी, ठीक है ना। और मूल संविधान में व्यवस्था की है कि संकट काल के समय नागरिक अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए न्याय के शरण नहीं ले सकते, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ये व्यवस्था कर दी गई कि व्यक्ति को सब अधिकार तो चले जाते हैं लेकिन ये 44वां जो संशोधन हुआ था, ठीक है ना, 44वां संशोधन 1978-79 के आसपास, तो उसमें क्या गया कि आपातकाल के दौरान व्यक्ति के अधिकार तो चले जाएंगे लेकिन जो अधिकार अनुच्छेद 20 और 21 में हैं वे अधिकार किसी भी सूरत में
व्यक्तियों के अधिकार के हक से ये अधिकार नहीं लिए जाएंगे, क्योंकि ये अधिकार एक तरह से उनके जीवन रक्षा का अधिकार होता है, उनके दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार होता है। तो इनको लेकर न्यायालय में भी ये व्यवस्था कर दी गई सोमाली संसद के द्वारा कि आपातकाल में सब तरह के अधिकार चले जाएंगे, लेकिन ये अधिकार ई संयुक्त के तहत जो अधिकार है वो उनको मिलेंगे। अब इम्पोर्टेंट ये आ जाता है, ये तो मैंने समझा दिया कि वहाँ पर क्या होगा, जैसे जिस भी क्षेत्र में लगेगी तो वहाँ की राज्य व्यवस्था है वो एक तरह से अप्रभावी होगी और पूरी तरह से वहाँ पर केंद्रीय व्यवस्था शासन करेगी और व्यक्तियों के मौलिक अधिकार वगैरह सब हट जाएंगे, सिर्फ दो अधिकार रहेंगे। इसके अलावा ये एक तरह से लिखित सूचना के बाद ही राष्ट्रपति इसको लगा सकता है। और जब ये इम्पोर्टेंट ऐसी बात कही गई यहाँ पे कि घोषणा के एक माह के अंदर विशेष बहुमत या प्रथम दोनों सदस्य के विशेष बहुमत और कुल बहुमत के मतदान में भाग लेने वाले दो तीय सदस्यों की इसकी स्वीकृति आवश्यक होती है और छह माह के लिए से इसे लागू करने के लिए प्रति छह माह में स्वीकृति आवश्यक होती है। ठीक है, तो ये तो था यहाँ पे हमें समझा दिया कि जो आपातकाल है वो पूरे देश में लगता है, या किसी एक क्षेत्र भाग में लगे तो वहाँ पे केंद्रीय व्यवस्था रहेगी और इस तरह से व्यक्ति को सिर्फ ये अधिकार मिलेंगे, ये ध्यान रखना। अब आ जाते हैं एक इम्पोर्टेंट ध्यान रखना कि राष्ट्रीय आपातकाल यानी अनुच्छेद 352 धारा भारत में कब कब लगी है, कितनी बार लगी है, तो ध्यान रखना तीन बार है वो राष्ट्रीय आपातकाल है वो भारत के कह सकते भारत में लागू हुआ था। ठीक है, अनुच्छेद 352 है वो तीन बार। तो पहला यहाँ पे देखना है कि एक तो हुआ था 1971, इससे पहले सबसे पहला जो हुआ वो बता देते हैं, सबसे पहला हुआ था 1962 और ये चीन के साथ युद्ध हुआ था, तब भारत चीन का युद्ध हुआ था, वो जो राष्ट्रीय आपातकाल था अनुच्छेद 352 के तहत था। इसके बाद 1971 जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, ठीक है ना, उसी के साथ बांग्लादेश का जन्म हुआ, उस समय जो आपातकाल उत्पन्न हुआ था वो राष्ट्रीय आपातकाल था अनुच्छेद 352। और इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय शस्त्र विद्रोह की तरह हम कहें मतलब शस्त्र विद्रोह की जो तरह से, तो वह 1975 में एक बार और हुआ था। यानी तीन बार ये कह सकते कि राष्ट्रीय आपातकाल है वो घोषित हुआ है और इस तरह से ये व्यवस्था रहती है अनुच्छेद 352 की। अब आगे देखते हैं अनुच्छेद यानी दूसरा जो आपातकाल आता है 356 उसकी बात करें। ठीक है ना, दूसरा एक वैसे ध्यान रखना है कि आपातकाल की जब बात आती है तो आपातकाल का मतलब वो है कि कुछ व्यवस्था है जो प्रभावित होती है, कुछ व्यवस्था है वो प्रभावित होती है। अब वो क्या है तो देखिए इधर, अब दूसरी हम बात करें कि राष्ट्रीय आपातकाल में आ जाएगा राष्ट्रपति शासन, इसको एक तरह से राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं या कैसे हैं कि अनुच्छेद 356 और ये कब लगता है, जब किसी राज्य में शासन व्यवस्था संविधान के अनुसार ना चले तब, या इसको एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि ये कब लगती है, राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर। ठीक है ना, यानी राज्यों में कहने का मतलब ये होता है कि राष्ट्रपति शासन संविधान, तो इस तरह से राष्ट्रपति शासन यानी अनुच्छेद 352 धारा तब लगती है किसी भी राज्य भारत के किसी भी क्षेत्र में जब वो वहाँ की शासन व्यवस्था है वो संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चलती है, यानी संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, वहाँ की जो व्यवस्था है कानूनी व्यवस्था जो राज्य सरकार की वह संविधान का उल्लंघन कर रही है, संविधान के आदेशों का पालन न करके हुए राज कर रही है, तो वहाँ पर या तो राष्ट्रपति को विदित हो जाए या फिर राज्यपाल ये राष्ट्रपति को सूचना दे कि भाई ये फलाना जो सरकार है वो व्यवस्थित काम नहीं कर रही है, संविधान का उल्लंघन कर रही है, तो राष्ट्रपति वहाँ पर अनुच्छेद 352 धारा लगाएगा कि कहेगा कि संवैधानिक तंत्र वहाँ विफल हुआ है, इस वजह से जो अनुच्छेद 356 धारा है वो वहाँ पर लगाई जाएगी। तो ध्यान रखना है
कि संविधान के द्वारा संघीय सरकार को उत्तरदायित्व सौंपा गया है, देखे कि प्रत्येक राज्य की सरकार संविधान के उपबंधों के अनुसार चलाई जाए। अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन पर या अन्य किसी प्रकार से समाधान हो जाएगी। ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि शासन का शासन मतलब राज्य का शासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जाता है, तब वहाँ पर क्या होगा, राष्ट्रपति शासन लागू, यानी संकट काल की घोषणा की जाएगी और घोषणा राष्ट्रपति शासन की तरह होगी। अब ध्यान रखना, संसद के द्वारा एक बार प्रस्ताव पास कर सीएम के लिए राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। संसद के एक बार अनुमोदन के यह आपातकाल आगे 6 माह जारी रह सकता है। यानी एक बार संसद ने अनुमति दे दी तो वह ये जो राष्ट्रपति शासन है, ठीक है ना, यानी जो अनुच्छेद 52 की धारा है वो आगे और 6 माह तक जारी रह सकती है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। इस तरह से ये एक 44वां संविधान संशोधन, 44वां जो संशोधन हुआ था, ठीक है ना, उस संशोधन के बाद कहा गया कि इस तरह से जरूरत पड़े तो संसद हर 6 माह के लिए वो आपातकाल बढ़ा सकती है, लेकिन अधिकतम इस आपातकाल की जो अधिकतम अवधि रहेगी वो लास्ट हाईएस्ट 3 वर्ष तक किसी भी राज्य में आपातकाल लगाया जा सकता है, ऐसे 6 महीने बढ़ा करके अधिकतम, ठीक है ना। तो अब इसमें ये ध्यान रखना है कि ये कब होगा, इतनी अधिकतम अवधि कब बढ़ाई जाए, जब वहाँ का निर्वाचन आयोग है, वह ये सूचना आयोग निर्वाचन चुके थे, निर्वाचन आयोग ये कहें कि भाई फलाने राज्य में अभी भी स्थिति कंट्रोल में नहीं है और वहाँ पे चुनाव नहीं करवाया जा सकता, इस वजह से अनुच्छेद 356 धारा वहाँ पे लगती है और उसको और बढ़ाई जा सकती है, ठीक है ना। तब तक ऐसे उनके लिखित अनुमोदन के बाद ही वो अधिकतम है जो बढ़ता रहता है समय, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसको आगे देखना है ध्यान में और क्या इंपॉर्टेंट है, तो देखिए राष्ट्रपति शासन के 1 वर्ष की अवधि के बाद इसे और अधिक जारी रखने का प्रस्ताव संसद में तभी पारित होगा जब इस प्रस्ताव पर अनुच्छेद 352 के अंतर्गत संकट काल लागू हो और चुनाव आयोग यह प्रमाणित कर दे कि वर्तमान में चुनाव संभव नहीं है, जैसे बताया वही है यहाँ पे बात आ रही है सामने। अब देखिए तो यहाँ पे इस परिस्थिति में प्रभाव क्या पड़ता है, अभी ध्यान रखना कि यह आपातकाल लगा तो इसका प्रभाव क्या होगा, ठीक है ना। प्रभाव देखिए कि प्रभाव क्या होगा, तो इसका देखिए, इस परिस्थिति में आपात ये राष्ट्रीय आपातकाल यानी राष्ट्रपति शासन घोषित होता है तो राज्य की कानून निर्माण शक्ति का प्रयोग केवल संसद करेगी। यानी अब प्रभाव क्या होगा, तो प्रभाव ये होगा कि राज्य को कानून निर्माण की जो बात करें, हाँ तो देखिए जैसे हम आपातकाल को पढ़ रहे, तो अभी जस्ट आपके सामने आपातकाल का एग्जांपल मिल ही गया होगा आपको कि आपातकाल किसी भी तरह का हो सकता है। तो अब देखिए, अब ये यहाँ पे क्या होता है, जैसे आपातकाल लग गया तो कानून राज्य का कानून निर्माण जो पावर होता है, कानून निर्माणी, ठीक है ना, यानी राज्य को जो कानून निर्माण का पावर होता है राज्य का, ठीक है ना, वह पावर अब किसके पास आएगा, केंद्र के पास, यानी कानून निर्माण संबंधी शक्ति उस किसी भी राज्य के जगह वहाँ पे लगा है, जैसे राजस्थान में अगर आपातकाल लगा है अनुच्छेद 356, तो इसे कानून निर्माण शक्ति यानी नहीं मिलेगी और वह पूरा का पूरा मतलब वो पूरा राज्य है, अब किसके अनुसार चलेगा, केंद्र सरकार के अनुसार। इस तरह से लगभग जो अनुच्छेद 19 के तहत जो स्वतंत्रता होती है स्वतंत्रता वो भी समाप्त हो जाती है, बाकी कुछ नहीं होगा, ये ध्यान रखना। अब लास्ट में आ जाता है, हम जो पढ़ रहे हैं ये दूसरा आपातकाल हो गया, ठीक है ना। अब इम्पोर्टेंट है और ये ध्यान रखना, ये अनुच्छेद 356 धारा ये लगभग 130 बार से ज़्यादा अब तक अनुच्छेद 356 की धारा 130 से भी ज़्यादा बार लागू हो चुकी है, ध्यान रखना है। अभी हाल ही में कश्मीर में जो धारा लगी थी यानी जो राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था वो अनुच्छेद 356 था, ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट है वित्तीय आपातकाल, और यह अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद के तहत लगता है, 360, अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा है वो राष्ट्रपति करता है। यह कब की जाएगी, तो ये आपको सिर्फ ध्यान रखना है, अनुच्छेद 352 के अनुसार जब राष्ट्रपति को विश्वास हो जाएगी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होगी जिससे
भारत की वित्तीय स्थायित्व या साख को खतरा है? भारत की स्थिति या साख को खतरा है, ठीक है ना, यानी पैसों की तंगी आ गई, भारत के पास पैसे है नहीं और देश को चलाना है तो कैसे करें, तो इसलिए भारत क्या करेगा, वहाँ पे अनुच्छेद 360 धारा लगाएगा और इस तरह से होगा क्या तो देखना है, जिससे भारत की स्थायित्व वित्तीय खतरा हो तो यह वित्तीय संकट की घोषणा, ऐसी घोषणा के लिए भी वही अवधि निर्धारित होती है जो प्रथम प्रकार के लिए होती है, यानी फर्स्ट बार 1 महीने तक बिना संसद की अनुमति को जारी रहेगा, ठीक है। अब इस संकट की अवधि में होता क्या है, ये राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह आर्थिक दृष्टिकोण से किसी भी राज्य सरकार को आदेश दे सकता है, यानी फिर क्या होगा कि इसमें जब वो होता है तो पूरा जो कह सकते हैं कि पैसों का जो मामला वित्तीय लेन देन होती है वह केंद्र के नियंत्रण में आ जाएगी, केंद्र है वो सरकारी कर्मचारियों की सैलरी आदि या कम कर सकता है, राज्यों को कहेगा कि आप फिजूली या जो भी आप अपने राज्य में काम करें पैसों को लेकर, तो सबसे पहले सूचना है वो केंद्र को दी जाए, यानी पूरा जो कंट्रोलिंग है वो पैसों को लेकर केंद्र सरकार के पास जाएगा, क्योंकि वित्तीय संकट है तो पहले जब एक देश को देश की व्यवस्थाओं को बनाना मजबूत है इसके बाद राज्यों को वापस छूटर मिलेगी, तो इस तरह से वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था के द्वारा पैसों का संकट है उसको दूर करने के लिए ये व्यवस्था लाई जाती है। और भारत में इस तरह की वित्तीय आपातकाल अब तक कितनी बार लगा बताएं, एक बार भी नहीं लगा, 0 बार, यानी ऐसा कंडीशन आया नहीं है। 1991 में ऐसा हुआ था लेकिन इस संकट को टाल दिया गया था अपने कैसे उदारीकरण के द्वारा, तो ध्यान रखना इस तरह से ये वित्तीय आपातकाल है वह आपके सिलेबस में है और हमने इस तरह से समझ लिया है, तो अब ध्यान रखना है, इससे संबंधित कोई प्रश्न है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, ठीक है ना, और थैंक यू, हैव अ नाइस डे, लाइक एंड शेयर जरूर करें इसको।